दोस्तों नमस्कार, मैं अमन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में किस तरह से शादी कार्ड का एडिटिंग का पीएचपी फाइल आपको देने वाला हूं और इस पीएचपी फाइल को कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे इस तरह से आप चेकिंग करके आप शादी कार्ड का डिजाइनिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से, और सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देख लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाओ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सकें। तो देखिए दोस्तों, इसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, उसमें आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। तो उसमें आपको पासवर्ड लगा हुआ, तो उसे कैसे डाउनलोड करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे वो लिंक कॉपी करके रखते हैं व्हाट्सएप में, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे दो लिंक आपको मिलेगा पीएलसी फाइल। तो देखिए पहला जो पीएलसी इसका और इसका अलग अलग पीएलसी फाइल है, तो दोनों का पीएलसी फाइल अलग अलग है, तो दोनों का लिंक आपको अलग अलग मिलेगा, तो दोनों को एक एक करके डाउनलोड कर लेना है। तो देखिए मैं सबसे पहले एक को डाउनलोड करके उसको दिखा देता है। देखिए मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला पहले डाउनलोड करूँगा। इसको डाउनलोड करने के बाद देखिए यहाँ पे जस्ट ऑन पे क्लिक करेंगे, कोई भी एक ब्राउजर पे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद से कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, क्लिक करने के बाद से कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से क्लिक हो जाएगा। उसके बाद क्लिक करते ही आपको यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं तो डाउनलोडिंग चालू हो गया, तो ये डाउनलोड हो रहा है। तो डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद से आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर से आरआर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। आरआर एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, उसको इंस्टॉल करने पर आपको डायरेक्ट उसको ओपन कर देना है। तो ओपन कर देंगे तो यहाँ पर डाउनलोड फोल्डर में चले जाना है। ओपन करने पर किसी से ओपन हो जाएगा, उसके बाद डाउनलोड फोल्डर में चले जाना है। डाउनलोड फोल्डर जाने के बाद आपको उस पीएलसी फाइल को ढूंढ लेना है जिस पीएलसी फाइल को आप डाउनलोड किए। तो हम इसमें देख लेते हैं पीएलसी फाइल किधर डाउनलोड कराया है। तो इसमें देख सकते हैं वो पीएलसी फाइल में यहाँ पे देख रहा हूँ सबसे नीचे आया होगा, तो देख सकते हैं ये वाला पीएलसी फाइल यहाँ पे देख सकते हैं। टाइमिंग 6:26 को यहाँ पर हो रहा है, ऊपर भी टाइम देख सकते हैं 6:27 और 1 हो चुका है, मतलब इसको डाउनलोड हो। तो इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर टिक लगा देंगे। इस तरह से टिक लगाने के बाद आपको यहाँ प्लस के बगल में जो टिक का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने बस यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने बस आपको यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, आपको पासवर्ड यहाँ पे ध्यान से दिख लीजिए और पासवर्ड यही आपको डाल देना है। यहाँ पे देखिए 8856 0064 ये वाला पासवर्ड आपको डाल देना है, 8856 0064 ये वाला पासवर्ड आपको डाल देना है और उसको ओके कर देना है। तो ओके कर देंगे तो ये अनजिप हो जाएगा, इस तरह से अनजिप हो जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पिक्सेल लैब में आ जाना है, देख सकते हैं यहाँ पे पिक्सेल लैब को ओपन करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे डिजाइनिंग करके रखा हूँ, तो इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। देखिए इस तरह से तो पिक्सेल लैब को ओपन करेंगे, पिक्सेल लैब ओपन करेंगे तो जिस तरह से ओपन हो जाएगा, तो आपको न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर देना है। यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करने बस आपको यहाँ पे ओपन एन ऐड पीएलपी फाइल पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे पीएलपी लिखा हुआ दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको डाउनलोड फोल्डर में चले जाना है, यहाँ पर क्लिक करके आपको यहाँ पर देखिए इस तरह यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो आपका फोल्डर रहेगा यहाँ पर शो करने लगेगा। उसके बाद आप डाउनलोड फोल्डर में चले जाएँगे, सबसे नीचे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर में आने के बाद देखिए यहाँ पे शादी कार्ड अमानत डी, यहाँ पे जो मैं सिर्फ पीएलपी फाइल का जो नाम दिया हूँ वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे पीएलपी फाइल शो करने लगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ओपन ऐड पर क्लिक कर देना है और उसको ओके कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये ऐड हो गया है, यहाँ पर ऐड हो गया। इसमें आप सभी जो भी यहाँ पर नाम चेंज करना चाहते हैं वो चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे जो यहाँ पे दिन तारीख जो भी यहाँ पे डेट लिखा हूँ इसको हम आप आसानी से जो भी आपका शादी का जो भी डेट डालना चाहते हैं सभी यहाँ पे डेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको डेट चेंज कर देना है, बाकी सब कुछ जैसा मतलब लिखा हूँ उसके हिसाब से सही है, आप उस तरह से रहेंगे और चेंज करना चाहते हैं चेंज भी कर सकते हैं।
और इसको ओके कर देंगे इस तरह से, और अपने हिसाब से फिर यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं इसको, जिधर से चाहे उधर आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ शब्द, जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं और अपने हिसाब से जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी क्लिक करके इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है तो नाम को भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मेरा छोटा भाई का जो शादी हो रहा है, उसका शादी कार्ड मैं बनाया हूँ खुद अपने मोबाइल फ़ोन से, और यही कार्ड निकलवाया हूँ। ये मेरा छोटा भाई का शादी है, यहाँ पे देख सकते हैं 17 मई 2021 को उसका शादी है, तो उसका एक कार्ड को मैं यहाँ पे डिजाइनिंग किया हूँ और उसका वीडियो भी मैं आप लोगों को केल्फी फैल्फी दे रहा हूँ। इसी तरह से आप भी अपने मतलब इस तरह से डिजाइनिंग करके उसका कार्ड को प्रिंट निकलवा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सभी को चेंज कर सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं, यहाँ पे जो मैं यहाँ पे किया हूँ स्पेस किया हूँ, इसको यहाँ से क्लिक करके आपको यहाँ पे नाम लिख देना है, जो नाम लिखना है वो नाम यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सभी जिस तरह से यहाँ पे लिखा गया है, उस तरह से आपको अपना अपना नाम लिख देना है और यहाँ पे अपने पूरे मतलब फैमिली का नाम लिख देना है, जो भी आपकी पूरा फैमिली में जितना भी है उन सबका यहाँ पे नाम लिख देना है। और यहाँ से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सभी चेंजिंग आप कर सकते हैं इस तरह से। इसी तरह से दूसरा जो PLP फाइल है उसको भी मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो देखिए, उस PLP फाइल का जो लिंक है उसके ऊपर भी मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए किसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद से कोई भी एक ब्राउजर में ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद से इसको कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। सेम उसी तरह से आपको यहाँ पे इसको भी डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद से फिर से RR एप्लीकेशन में आ जाना है। देखिए RR एप्लीकेशन में यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, इसमें डाउनलोड फोल्डर में आ जाएंगे। डाउनलोड फोल्डर में आने के आपको यहाँ पे PLP फाइल को ढूंढ लेना है। इसी तरह से देखिए, यहाँ पे PLP फाइल को मैं ढूंढ लेता हूँ। यहाँ पे देखिए शादी कार्ड को यहाँ पे लिखा हूँ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, आपको पासवर्ड डाल देना है। यहाँ पे पासवर्ड है 8855006064, ये पासवर्ड है, आपको डाल देना है, उसको ओके कर देना है। इस तरह से ओके कर देंगे तो आपका जो फाइल है वो अनजिप हो जाएगा। उसके बाद से फिर इसी तरह से आपको पिक्सेल में आ जाना है, और यहाँ पे जी तो आपको यहाँ पे तो ऐड हो गया, ये प्रोजेक्ट फाइल आपका ये बन गया, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ से कैंसिल कर देना है, नहीं तो आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, ओपन एंड PLP फाइल पे क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर डाउनलोड फोल्डर में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फाइल शो कर रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और इसके ऊपर क्लिक करके आपको इसको ओपन एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे तो ये आपको यहाँ पे ऐड हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे ऐड हो गया। इसके बाद यहाँ पे आप जो भी नाम डालना चाहते हैं यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपने पिताजी का नाम यहाँ पे डाला हुआ है, फिर पिताजी के नाम यहाँ पे डाला हुआ है, तो इस तरह से यहाँ पे नाम डाला हुआ है, तो आपको यहाँ पे नाम डाल देना है और यहाँ पे अपने जो पता रहेगा वो पता डाल देना है आपको नीचे, और अपना मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। हमें नीचे देखिए मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, इस तरह से आप भी मतलब नंबर लिख सकते हैं मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पे जो दिन तारीख रहता है वो दिन तारीख लिख देना है, और यहाँ पे जो नाम है वो नाम लिखा हुआ है, तो ये नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है इस तरह से। इस तरह से सभी कुछ आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी लगाना चाहते हैं वहाँ पे सब कुछ लगा सकते हैं अपने हिसाब से, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इस तरह से। बहुत ही आसानी से आप इसमें चेंज कर सकते हैं, आपको ज़्यादा कुछ भी इसमें नहीं करना पड़ेगा। और इस तरह से एडिट करके आप अपना यहाँ पे सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए आपको सेव एज इमेज पे क्लिक करके आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको अल्ट्रा में सेव कर लेना है। इसको अल्ट्रा में सेव करेंगे तो पूरा मतलब HD क्वालिटी में सेव हो जाएगा, इसको अल्ट्रा में सेव कर लेना है आपको। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सकें।